कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस पार्टी की नव निर्वाचित महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक रोड शो कर रही थी। राहुल गांधी इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल विमान सौदे में कथित घोटाले को लेकर घेरने में भी नहीं चूके। जिस दौरान राहुल प्रियंका बस में सवार होकर रोड शो कर रहे थे, तभी दोनों ने ही बस में से ही राफेल विमान का एक कटआउट लहराया। सोमवार को ही लखनऊ आने से पहले राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा बुलाए गए धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। यहां से भी उन्होंने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है और करीब 30,000 करोड़ रुपए की चोरी की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब बस पर सवार होकर राफेल विमान का कटआउट लहराया तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मोदी सरकार को घेरते आ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी का सियासी डेब्यू इस रोड शो से हुआ है। ऐसे में पूरे देश की निगाहें इस रोड शो पर थी। राहुल गांधी ने इसी मौके पर यहां से राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये रोड शो करीब 12 किलोमीटर लंबा चला, जो लखनऊ के एयरपोर्ट से शुरू होकर कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।